सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। मुरथल के ओशो धारा धाम में ओशो का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ओशो के भक्त उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए पहुंचे, जहां ओशो की महिमा का गुणगान किया गया। ओशो के जन्मदिवस के मौके पर सदगुरु ओशो सिद्धार्थ औलिया जी ने भक्तों को ओशो के बताए रास्ते पर चलने का संदेश कुछ इस तरह दिया। मुरथल के ओशोधारा नानक धाम में ओशो का जन्म दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। जहां ओशो जन्मोत्सव समागम में हजारों की तादाद में भक्त शामिल हुए और कार्यक्रम का आनंद उठाया। कार्यक्रम की शुरुआत ओशो को समर्पित शानदार गीतों के साथ हुई। ओशो के गीतों का बखान किया गया। कार्यक्रम को सदगुरु ओशो सिद्धार्थ औलिया जी ने संबोधित किया। उन्होंने भक्तों से ओशो के संदेश अपनाने और उनके बताए रास्ते पर चलने का संदेश दिया। ओशो धारा के लिए, ओशो प्रेमियों के लिए आज का दिन सबसे पावन दिन है। आज धरती पर परम गुरु ओशो का अवतरण हुआ। एक हिमालय आज धरती पर उठा। आज के दिन जहाँ से ओशो धारा की गंगा बही। और निश्चय अगर मुझसे कोई पूछे कि ओशो धारा संघ के लिए अगर दूसरा पावन दिन चुनना पड़े तो आप किसको कहेंगे, तो मैं कहूँगा आज से 21 साल पहले ओशो धारा का जन्म हुआ वो दूसरा पावन दिन हम सब के लिए। और मुझे ख्याल आया कि आज ओशो धारा संघ 21 साल का हो गया, तो मुझे ये भी साथ में ख्याल हो गया कि ओशो धारा संघ जवान हो गया। इस दौरान सदगुरु ओशो शैलेंद्र जी और सदगुरु माँ ओशो प्रिया जी ने भी भक्तों को संबोधित किया, साथ ही अपने मधुर गीतों से ओशो को याद किया गया। पावन दिन हम सबको मुबारक हो। सद्गुरु ओशो का जन्मदिन
11 दिसंबर 1931 को इस धरती पर उनका अवतरण हुआ। जैसे आधुनिक विज्ञान के जगत में आइंस्टीन का योगदान है, भौतिक शास्त्र के सारे सिद्धांतों को पलटकर बिल्कुल एक नई दिशा दी, ठीक वैसे ही अध्यात्म विज्ञान में सद्गुरु ओशो का योगदान है। ओशो ने बिल्कुल एक नई दिशा दी, एक नया आयाम खोला, अध्यात्म के जगत में एक क्रांति हुई। और न केवल आध्यात्मिक जगत में, सद्गुरु ओशो ने जीवन के विभिन्न आयामों में अपनी मौलिक दृष्टि प्रदान की। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, समाज व्यवस्था कैसी हो, परिवार कैसे हो, बच्चों का पालन पोषण कैसे हो, देश की व्यवस्था और राजनीति कैसी हो, ऐसा कोई विषय नहीं जो अछूता रह गया हो। मूर्थल के ओशोधारा नानक धाम में ओशो का जन्म दिवस हर साल बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आज का प्रोग्राम बहुत मस्त रहा है, ऐसा ही होना चाहिए जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाए। तो अपने आप को बहुत सौभाग्य कर रहा हूँ मैं जो ओशो के समय में मिलने का मौका मिला। ओशो के प्रोग्राम में मुझे बहुत ही आनंद आता है। ओशो, अरे बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया एकदम आनंद खूब। और आपको चेहरे से ही लग रहा होगा कितनी ऊर्जा और कितना मज़ा जो झलक रहा है, तो खूब मज़ा आया। हाँ, सीखने को तो एकदम, जैसे शांति में कैसे जिया जाए, कोई भी काम है उसको कैसे बिना परेशान हुए विचलित हुए किया जाए, किस तरह आनंद से किया जाए, किस तरह एकदम, मतलब कि आप कभी भी देखेंगे कि बेचैन हो जाते हैं हम कोई भी काम करते हैं, तो ये चीज़ जो है कि अपने में ठहराव होकर कोई काम करना, ये सीखा है। आज का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया, सद्गुरु त्रिवर उनको कोटि कोटि प्रणाम, जो परम गुरु ओशो के आज उनका बर्थडे था और सभी ने आज मिलके एंजॉय किया, बहुत बहुत एंजॉय किया, बहुत बहुत आहोभाव, धन्यवाद। हमें ओशो जी के जन्मदिन पे बहुत आनंद और उत्सव में हम लोग सब एंजॉय कर रहे हैं। जय ओशो, ओशो, ओशो। आज हमारे प्यारे सद्गुरु ओशो का बर्थडे है एंड वी आर एंजॉयिंग अ लॉट, उतनी प्रेजेंस पूरे रोम रोम को आनंदित से भर चुकी है। थैंक यू सो मच ओशो। हमारे परम गुरु इस दुनिया के लिए एक ऐसा खजाना छोड़कर गए हैं, अगर एक साधारण मनुष्य भी उनकी शिक्षाओं को समझकर जीवन की राह पर आगे बढ़े तो वो जीवन में जरूर सफलता को प्राप्त करेगा, भगवान को प्राप्त करेगा। मेरी सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज मतलब ये एक्सपीरियंस मेरी बहुत अच्छा है, लाइक कभी मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया था अपने लाइफ में। तो ये शांति, ये माहौल, ये लाइक वो गाना वाना जो भी था आजकल बहुत अलग सुनते थे, लेकिन आज ये बहुत अलग माहौल में सुनना मेरे लिए बहुत अच्छा था। और जैसे उसने कहा कि हम लोग हमेशा से एज एन यूथ सुनते आ रहे हैं कि जोरबा दा बुद्धा, बट आज ये एक न्यू इनिशिएशन था यहाँ से कि बुद्धा दा जोरबा हो गया, तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा। और हर साल ओशो जन्मोत्सव समागम में भारी तादाद में उनके भक्त शामिल होते हैं और इस मौके पर आयोजित शानदार कार्यक्रम का आनंद उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। मैं भी रंग भर जाइए।